किया है, अब तो जाहिर है उसको रिकॉग्निशन मिलनी थी और पब्लिक ने उसको रिकॉग्निशन दिया, जिससे कि एक पॉलिटिक्स में एक नया ट्रेंड शुरू हो सकता है। अगर वो एफर्ट करें तो गवर्नमेंट स्कूलों को काफी बेहतर बना सकते हैं। जनता फ्रस्ट्रेशन नहीं चाहती है, झगड़ा नहीं चाहती है, ये शांति और अमन की जीत हुई है। दिल्ली की पब्लिक का ये संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है, पूरे देश की पब्लिक में जा रहा है, जिस तरीके से दिल्ली की जनता को बचाया है। मेरा अंदाजा ये है कि पूरे देश की जनता देश को बचाएगी, संविधान को बचाएगी, लोकतंत्र को बचाएगी। और सीधा सीधा सा इसका संदेश ये है कि हर आदमी बिजली, पानी, सड़क सुविधाएं चाहता है। पब्लिक चाहती है कि फ्री की सेवाएं, उसको वोट देना चाहेंगे। तो आपके हिसाब से कि जो ये सारी सुविधाएं मिली पब्लिक ने उसको वोट किया है, तो क्या ये सही है कि हमें सब कुछ फ्री मिल जाए? नहीं, इसमें हर क्या और क्यों ना मिले। जनता का पैसा, सरकारी खजाना जो है, जनता का पैसा जनता पे खर्च होना चाहिए ना। जनता का पैसा सरकार जनता पे खर्च करिए। केजरीवाल का तो यही नारा था ना, शाहीनबाग की जनता ने करंट मार दिया उल्टा गृह मंत्री को, और उन्हें एहसास भी हो रहा होगा इस चीज का, और शर्म से पानी पानी भी हो रहे होंगे। पाकिस्तान हारा है, हिंदुस्तान की जीत हुई है। आज की जीत बहुत अच्छी रही। बीजेपी ने जिस तरह अपना ये बनाया रखा था, CA NRC शाहीनबाग वगैरह सब हार गया, दिल्ली के लोगों ने काम पर वोट दिया। जिस तरह बिजली बिल 200 यूनिट से कम जो उठा रहे उनका बिजली बिल फ्री आ रहा है, वो पानी जिस एरिया में आता है उस एरिया में पानी वाले को बिल नहीं देना पड़ रहा है। जो औरतें गरीब घर की थी, जिनके पास पैसा ना रहा करता था, वो आज भी बस में फ्री में जाके लाल किला, जामा मस्जिद वगैरह घूम के चले आती हैं। अब उन्हें टेंशन ना रहा। अब मेन मुद्दा बीजेपी के पास दिल्ली में कुछ बचा नहीं, बस यही सांप्रदायिकता के बल पर ये चुनाव जीतना चाहते थे और दिल्ली के लोगों ने उन्हें हरा दिया। अरविंद केजरीवाल से मैं यही बोलूंगा, थोड़ा एजुकेशन पर ध्यान दे। इस ओखला एरिया में स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट अस्पताल नहीं है। कम से कम उसको किसी भी हालत में यहाँ पे गवर्नमेंट अस्पताल और 2-3 स्कूल खुलवा दे। अरविंद केजरीवाल जी को जीत दिल्ली की बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई हो। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है जो मुद्दे रखे थे वो दिल्ली प्रदेश की जो जनता थी उन्हें सबको नकार दिया है, और वो देश के अंदर जहर घोलने वाले मुद्दे थे। जहां तक करंट का सवाल है वो उनका उचित सवाल नहीं था, और आज जो है मैं समझता हूं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है करंट लगने से कपकपा रही है ऊपर से नीचे तक। मैं ये समझता हूं कि जो मोहल्ला क्लिनिक है उसके अंदर सुधार होना चाहिए और उनके अंदर इजाफा होना चाहिए, ताकि जो गरीब लोग हैं, आखिरी कतार में लोग खड़े हुए, उनको स्वास्थ्य की सेवा उपलब्ध हो सके। पहली बात तो यह है कि उन्होंने शिक्षा पर बहुत सारे काम करे, मगर उनको मजीद जो है अब कोई नए स्कूलों का डेवलपमेंट करना चाहिए, और बहरहाल जो दूसरे स्कूल चल रहे हैं उनके अंदर भी सुधार करना चाहिए। जो जनादेश मिला है, जो जनादेश मिला है ये सच्चाई का ईमानदारी जनादेश मिला है। ये पूरी दिल्ली की जनता का कहना है कि पूरी दिल्ली की जनता ने मिलकर ऐसा बटन दबाया है कि वो करंट पूरे तरफ दौड़ गया है। तो 250 लोग जो यहाँ इकट्ठे थे वो यहाँ से फरारी हो चुके हैं, तड़ीबार हो चुका है, चौकीदार भी गायब हो चुका है। ये जो चुनाव का दिल्ली वासियों ने दिया है जीत का प्रचंड बहुमत केजरीवाल को, इसमें पूरी तरीके से RSS और बीजेपी का जो आक्रामक प्रचार था मुसलमानों के खिलाफ, उसके खिलाफ वोट दिया गया है। डेवलपमेंट तो दिख ही रहा जनता को, 5 साल लगे रहो केजरीवाल का जो नारा था, जिसमें स्कूल, हेल्थ, सड़कें, रोड, पानी, बिजली सारा तो उन्होंने करके दिखाया। मोदी का जो 15 लाख था वो तो दिखा नहीं, लेकिन केजरीवाल ने 5 साल में बहुत कुछ दिया जनता को। शिक्षा के ओर थोड़ा और ध्यान देना होगा, जिस तरीके से ओखला में यहाँ पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, पूरे दिल्ली की अगर आप सर्वे कर लें सबसे ज्यादा एजुकेटेड शिक्षित लोग सिर्फ ओखला में मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्राइमरी जो शिक्षा है उस पर सुधार करने की बहुत जरूरी है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गरीबी, इसलिए यहाँ के जो लोग हैं उनको मजहब से हटके हमें देखना चाहिए। जो बेसिक मुद्दा है यहाँ का, जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, तो इन मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि केजरीवाल जी ने जो हमारे सबसे बड़े मेन मुद्दे हैं उन पर बात करी है, जैसे कि बिजली हो गया, पानी हो गया, और मतलब गरीबों के लिए जितना हो सका उन्होंने मेरी तरफ से लगता है कि करा है उन्होंने। देखिए, मैं केजरीवाल जी से ये मांगूंगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली जो है पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी में आता है,
तो मैं सबसे पहले अपील तो करूंगा कि इस यहाँ के पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए कुछ अच्छा करें, और दूसरा जो यहाँ के गरीब बच्चे हैं, गरीब घरों के जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन पर और ध्यान दें। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि अस्पतालों का और अच्छा करें, बेहतर तो करा है लेकिन मैं आगे यही उम्मीद करूंगा कि और ध्यान दिया जाए। बहुत अच्छा हुआ, इसकी उम्मीद थी, जो केजरीवाल साहब ने काम किए थे उनका उन्हें इनाम मिला। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रचार किया वो भी उनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ बगैर सोचे समझे। इस देश की जो नफ्सियात हैं उनके खिलाफ उन्होंने प्रचार करने की कोशिश की, उन्हें ये पता नहीं कि यहाँ सदियों से भाईचारा चला आ रहा है और एक ही चीज़ बार बार वो लोगों को दरमियान ला के हिंदू मुस्लिम करके जीतना चाहते थे, उस पर रोक लगी है। और उम्मीद है कि आगे और जहाँ जहाँ भी चुनाव होंगे इसी तरह से जनता इन्हें मुँह तोड़ जवाब देगी। और हमारी मांग ये है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो अगर जरा सी भी नैतिकता बची हुई है तो अमित शाह और मोदी जी फौरन इस्तीफा दे दें। क्योंकि जहाँ तक काम का सवाल है इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छे काम हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम बाकी नहीं है, अभी बहुत काम है। शिक्षा में भी, हेल्थ में भी, जो दावे हैं वो बहुत बड़े हैं, उनकी बनिस्बत जब ग्राउंड पर ज़मीनी हकीकत आप देखेंगे तो उसमें बहुत अभी अंतर है। हम चाहेंगे कि ये जो 5 साल उन्हें जनता ने दिए हैं इन अंतर जो है ये इन्हें ख़त्म करें और तमाम क्षेत्रों में अच्छे से मेहनत करें। ये विकास पर जीत है, जो जीत है, और ये बहुत मतलब अच्छा बहुमत मिला है। हम चाहते हैं कि आगे को भी ऐसे ही काम हो जैसे कि अब हुआ है, तो हम चाहते हैं कि आगे को भी और अच्छा काम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ के हमारे अमानत साहब हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जैसे अपोलो में, एस्कॉर्ट में इन्होंने फ्री इलाज कराया गरीब लोगों का, जैसे हमारे जैसे लोगों का, तो मतलब इन्होंने बहुत हेल्प करी है, तो आगे को भी ऐसे अच्छा काम करें, हम भी बस ये चाहते हैं। ये इंसानियत की जीत है और अहंकार की हार है, ये हार है और ये बहुत बुरी हार है। और अगर ये ऐसे ही हिंदू मुसलमान करते रहे तो शायद ये आने वाले वक्त में इनका नाम लेने वाला नहीं बचेगा कोई भी, ये इतनी बुरा हार है। और हमारे अमानत भाई ने बहुत अच्छा काम किया इस ओखला के लिए, और हम ये सोचते थे कि भाई इन एमएलए जीतने के बाद में सिर्फ मालदारों का काम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों की गलत फहमी दूर हो गई है। ये जो कहते हैं ना कि एडमिशन नहीं हो रहा है या स्कूल नहीं बने, वो झूठ खामा खाम एक मतलब झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। जो गरीब हैं और उनका और अच्छे से ख्याल करा जाए, और जैसे ये पानी की समस्या यहाँ अबू फजल के अंदर, तो हमारे अबू फजल के अंदर शाहीनबाग के अंदर यहाँ पे पानी की सप्लाई देवें, और जो आवाम है आवाम का ख्याल रखा जाए, और ख़ास तौर से गरीब तबके का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। बस जो काम कर रहे हैं पानी का, बिजली का, जो भी है, स्कूल का, बहुत अच्छा काम किया है और भी ऐसे ही करते रहें। नाज़रीन, आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी हमें आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल एशिया टाइम्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। एशिया टाइम्स को अल्टरनेटिव मीडिया बनाने की हमारी इस कोशिश में हमारा साथ दें।